सभी लोग बड़ी इज्जत की निगाह से हमें देखते थे। हम दो ही बहने थी और मेरा असल नाम इकरा है, जबकि मुझसे बड़ी बहन का नाम इफ्रा है। हमारे मोहल्ले में एक उबाश नौजवान रहता था जिसमें हर किस्म की बुराई पाई जाती थी। नशे से लेकर आवारा गर्दी तक उसने हर किस्म का गुनाह किया हुआ था। वो मेरी बड़ी बहन को पसंद करता था, इसीलिए उसने अपना रिश्ता अफरा भाजी के लिए भेजा था। तो उन्होंने बड़ी सख्ती से उस रिश्ते के लिए मना कर दिया था और कहा था कि क्या मेरी बेटी के लिए बस मोहल्ले के सारा लड़की का रिश्ता ही रह गया था। उसे तो किसी से बात करने की तमीज भी नहीं है और ना ही माँ बहनों वाला कोई लिहाज है, इसीलिए मुझे ये रिश्ता कतई तौर पे मंजूर नहीं है। ये बात आई गई हो गई थी और मोहल्ले वाले इस बात को भूल गए थे। फिर एक दिन मैं स्कूल से घर आ रही थी तो रास्ते में मुझे आसिफ भाई मिला था, जो बहुत ही घबराया हुआ था और मुझसे कहने लगा था कि तुम्हारे अबू का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए फरा तुम्हारी अम्मी को लेकर दूसरे शहर चली गई है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें भी वहाँ लेकर आऊँ। उसकी बात सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया था और फौरन ही उनके साथ चल पड़ी थी। कहाँ से मुझे इस शहर से बहुत दूर ले गया था और फिर मुझे तंग गलियों से गुजारते हुए एक अजीब सी जगह पर ले गया, जहाँ पर जाकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि वहाँ पर मौजूद औरतों ने बड़ी ही अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए थे और सब मुझे देखकर अजीब अंदाज से मुस्कुरा रही थी। उन औरतों को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर मैं आसिम भाई के पीछे छुप गई और रोने लगी थी, क्योंकि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने उनसे कहा था कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं, आखिर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, मुझे तो मेरे अब्बू के पास जाना है। तो मेरी बात सुनकर आसिम भाई ने मुझसे कहा था कि यहाँ पर मेरी खाला रहती है जिनसे मुझे कुछ पैसे लेने हैं, क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने मुझसे कहा था कि उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि वो अस्पताल का बिल वगैरह दे सकें। फिर कुछ ही देर के बाद एक बहुत ही मौसीज़ औरत हमारे पास आई थी। वो मुझे जानती हुई नज़रों से देख रही थी। फिर उस औरत ने आसिम भाई को एक चाय पीते हुए उसे कहा था कि दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी पसंद की। फिर वो दोनों मुझे देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुरा रहे थे और अंसर मुझे छोड़कर वहाँ से जा रहा था। तो मैंने भागकर आसिम भाई का हाथ पकड़ लिया था और मैंने कहा था कि वो मुझे इन लोगों के बीच छोड़कर ना जाए, क्योंकि मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। तो मेरी बात सुनकर आसिफ भाई ने मुझसे कहा था कि तुम परेशान मत हो, ये लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, इसलिए तुम यहाँ पर रहो। यहाँ से थोड़ी दूर एक बैंक है, मैं वहाँ से पैसे निकलवा कर आता हूँ। तो आसिम की बात सुनकर मैंने मज़ीद रोना शुरू कर दिया और उनके साथ जाने की ज़िद की थी। पहले तो वो मुझे प्यार से समझाता रहा था कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। लेकिन फिर जब मैंने किसी भी सूरत उसकी बात नहीं मानी थी तो वो मुझ पर पूरी तरह से चिल्लाया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ पर वापस ले जाने के लिए नहीं लाया, बल्कि अब तुम हमेशा यहीं पर रहोगी और यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगी, क्योंकि अब यही तुम्हारा घर है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हो गया है, अगर मैं तुम्हें उस वक्त ना कहता तो तुम कभी भी मेरे साथ यहाँ आने के लिए रजामंद ना होती और मैं तुम्हारे बाप से कभी भी अपनी बदनामी का बदला ना ले पाता।
अब तुम्हारे बाप को पता चलेगा कि किसी को बदनाम करना कैसा लगता है। जब सारे मोहल्ले वाले तुम्हारे बाप को कहेंगे कि तुम तो बड़े इज्जतदार बनते थे लेकिन तुम्हारी बेटी घर से भाग गई, तो वहां से उनकी बात सुनकर मैं उस पर पूरी तरह से चिल्ला रही थी और उसे कहा था कि मैं घर से भागी नहीं हूं बल्कि तुम मुझे धोखे से यहां पर लेकर आए हो। तो मेरी बात सुनकर उनसे पाता और उसने मुझसे कहा था कि सच्चाई तो सिर्फ हम जानते हैं, मैं तो उन्हें बताऊंगा कि तुम यहां से नहीं निकल सकती, इसलिए तुम्हारे बाप की इज्जत को बमाल होने से कोई भी नहीं बचा सकता। अब उसे पता चलेगा कि बदनाम होना कैसा लगता है। मेरा मतलब पूरा हो गया तो मैंने आसिम की बात सुनकर उससे कहा था कि मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतनी घटिया इंसान हो कि मेरे बाप से बदला लेने के लिए तुम इस हद तक गिर सकते हो। मेरे बाप ने तुम्हारे साथ जो भी किया बिल्कुल ठीक किया क्योंकि तुम इसी काबिल हो। फिर वो मुझे यहीं रोता हुआ छोड़कर चला गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ये। फिर मेरी मुलाकात सितारा भाई से हुई थी जो बहुत ही रहम दिल औरत थी। उसने मुझे समझाया था कि यहाँ पर जो भी एक बार आ जाता है तो फिर दोबारा यहाँ से निकल कर नहीं जा सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि जो सुल्ताना बाई कहती हैं तुम ऐसा ही करो। और फिर मैंने बिल्कुल वैसा ही किया था और सुल्ताना बाई की बात मान ली थी क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए सुल्ताना बाई ने मेरा नाम हुसन जहां रख दिया था। और फिर वाकई मेरे हुसन से उस कोठे को 4 चांद लग गए। 6 दिनों में ये कोठा मेरे हुसन की वजह से बहुत मशहूर हो गया था और मैं हर तरह का गुनाह करने लग गई थी, यहाँ तक कि मैं हर वक्त नशे में रहने लगी थी। फिर कुछ अरसे बाद सुल्ताना बाई का इंतकाल हो गया था तो हमने सितारा बाई को अपने गुरु के तौर पर मुंतखब कर लिया था। और फिर कुछ ही अरसे के बाद ये सब कुछ हो गया। ये सब कुछ सुनकर डॉक्टर फरकान ने मुझे तसल्ली दी और मुझसे कहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो कुछ ही दिनों के बाद मुझे मेरे माँ बाप से मिलवाने ले गया था। मैंने उसे मना भी किया था कि पता नहीं कितने लंबे अरसे के बाद वो मुझे देखकर मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। तो फुरकान ने मुझे समझाया था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, इसीलिए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। फुरकान की बातें सुनकर मैं उसके साथ चलती थी। इतने लंबे अरसे के बाद जैसे ही अम्मी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो भागते हुए मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे गले से लगाकर रोना शुरू कर दिया था। फिर मैंने उनसे अब्बू के बारे में पूछा था तो उन्होंने बताया था कि मेरे जाने के बाद अब्बू वफात पा गए थे। ये सब सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया था। मैंने उनसे कहा था कि मैं जानबूझकर नहीं गई थी बल्कि मुझे आसिम धोखे से अपने साथ ले आया था। तो मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं जानती हूँ क्योंकि उसने हम सबको बता दिया था तुम अपनी रजामंदी से नहीं गई बल्कि वो तुम्हें धोखे से ले गया था। अम्मी की बात सुनकर मैंने हैरान होते हुए उनसे पूछा था कि आखिर वो ये सब अपने मुंह से खुद कैसे बता सकता है। तो मेरी बात सुनकर अम्मी ने मुझसे कहा था कि कुछ अरसे के बाद आसिम ने शादी कर ली थी और उसके यहाँ 3 बेटियाँ पैदा हुई, उनमें से 2 जहनी माजूर थीं और 1 जो ठीक थी उसे किसी ने अगवा कर लिया था। फिर कुछ ही दिनों के बाद उस बच्ची की लाश मिली थी, इसीलिए उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया था। फिर उसने सबको बता दिया था कि मैंने किसी की बच्ची पर जुल्म किया था, इसलिए खुदा ने मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में ही दे दी। फिर उसने तुम्हारे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था और फिर अपनी बेटी के
अचानक में जाने की वजह से आसिम ने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया। तो अम्मी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा था कि उसको कहते हैं जैसी ही करनी वैसी ही बननी। फुरकान ने भी थोड़ी देर के बाद मुझे बता दिया था कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था तो मैंने ही उसके हाथ में कुरान पाक रख दिया था ताकि ये सब देखकर तुम अपने गुनाहों से तौबा कर लो और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि मुझे पहले ही नज़र में तुम अच्छी लगी थी और मैं तुम्हें इस ज़िंदगी से बचाना चाहता था जो तुम गुजार रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया। तो डॉक्टर फुरकान की बात सुनकर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया था कि उसने मुझे मसीद गुनाह करने से बचा लिया था।